जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप भी जो है इस तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं गाइज अपने फोटो के साथ, तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस तरह का जो है वीडियो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे गाइज हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप जो वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना काइन मास्टर ओपन कर रखा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे गाइज करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बनानी है, तो यहाँ पे आपको 3 प्रोजेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सेकंड जो प्रोजेक्ट दिख रहा है 9x16, इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेने के बाद करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के ये जो है ऑप्शन है। तो यहाँ से हमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है जिस पे बैकग्राउंड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से बहुत से बैकग्राउंड मिल जाएगा। तब यहाँ से करना क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट वाला ब्लैक स्क्रीन। अब इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद करना है इस पर क्लिक। और क्लिक कर लेने के बाद इसके साइज को यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेना है, मतलब आपको जितना बड़ा स्टेटस वीडियो एडिटिंग करनी है उतना बड़ा कर लेंगे। उतना बड़ा कर लेने के बाद देन फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद करना है गाइस यहाँ पे फिर जो है लेयर पे क्लिक। और लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के जो है ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मीडिया, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हमें करना क्या है गाइस, यहाँ से जो है एक टेम्पलेट वीडियो इसमें जो है ऐड करनी है, जो कि ये कुछ इस तरह के टेम्पलेट वीडियो है। इसका मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से इस टेम्पलेट वीडियो को गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं इस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह के टेम्पलेट वीडियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब इसमें ऐसे कुछ इसका जो अदर पार्ट है यहाँ से हमें ट्रिम करना होगा, तो ऐसे देख लेंगे। और इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक कर लेने के बाद करेंगे यहाँ से देखिए कैंची का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड करके इसे काट लेंगे, काट लेंगे। उसके बाद देन इसे करना है इधर, इधर कर लेंगे फर्स्ट में, इधर कर लेने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए कैंची के बगल के जो आइकन दिख रहा है, इस बगल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद इसके साइज़ के यहाँ से पूरा फुल स्क्रीन कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरा फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद देने यहाँ से यस कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से जो हमारी ये वीडियो है ऐसे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक हो जाने के बाद करेंगे गए जी, यहाँ से देखिए थोड़ा और ट्रिम कर ले रहे हैं। फर्स्ट का वीडियो उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ से अच्छा है, स्टार्टिंग अच्छा लग रहा है। अब यहाँ तो हो गया। अब फिर इस पर क्लिक करेंगे, आएंगे गाइज नीचे, नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर देखिए एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, एक स्ट्रेट एडियो के ऊपर इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे, ये स्क्रीन का ऑप्शन, स्क्रीन का ऑप्शन हो गया। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आएंगे गाइज ऊपर एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद इसके कलर के यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा, तो ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद देन यहाँ से करेंगे गाइज यस, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद करेंगे यहाँ से फिर लेयर पे क्लिक, फिर लेयर पे क्लिक कर लेने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे। और मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आप इसमें जो फोटो ऐड करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से गाइज मैं चलिए एक फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये कुछ इस तरह की फ़ोटो है। आप यहाँ से आप जो फ़ोटो इसमें ऐड करना चाहते हैं, जिस फोटो मतलब वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से चलिए मैं एक कोई सा भी जो है फ़ोटो सिलेक्ट करके बस आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से चलिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला चलिए ये वाला ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से कैंची का बगल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। और सिंपली से क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इसे पूरा फुल स्क्रीन कर लेंगे, फुल स्क्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इधर इसे पूरे वीडियो के एंड तक कर लेंगे, एंड तक हो गया। एंड तक हो जाने के बाद करना है फिर इस पर क्लिक, और 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट हो जाने के बाद सेकंड पिक्चर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। और 3 डॉट पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। फिर इधर आएंगे ओवर एनिमेशन पे, और आने के बाद ये ब्लिंक शो वाला एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ये पल्स वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से चलिए मैं ये पल्स वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद आएंगे नीचे गाइज कलर फिल्टर में, और कलर फिल्टर में आने के बाद ये आएंगे मोनोक्रोम में, और यहाँ से ये वाला M04 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इधर बैक आएंगे, बैक आने के बाद बेसिक में आएंगे, बेसिक में आने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे ये वाला B35 सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला
उसके बाद यहाँ से यस करेंगे, यस हो गया। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे करना है लेयर पे क्लिक, फिर मीडिया पे क्लिक, और मीडिया पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से गए हमें एक जो है लिरिक्स वीडियो ऐड करनी है, जो कि ये कुछ इस तरह के लिरिक्स वीडियो है। यहाँ से चलिए मैं उस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लूँ, ये वाला है कुछ इस तरह के, देन ओके करेंगे। अब फिर इस पर क्लिक करेंगे, आएंगे नीचे गए ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये कर लेना है गए स्क्रीन का ऑप्शन, फिर बैक यस कर देंगे। फिर इस पर क्लिक करके इसके साइज के यहाँ से पूरा फूल स्क्रीन करके देन यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस फोटो को थोड़ा इधर खींच लेंगे और इस फोटो को भी इधर खींच लेंगे। अब इस टेम्पलेट वीडियो को साउंड के यहाँ से म्यूट कर लेना है। अब यहाँ से गए हमारे वीडियो जो है बन के तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों करना क्या है गाइस, यहाँ से इसे सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ से गाइस सेलेक्ट कर रखा है, और ये जो है 30 रहने देंगे। उसके बाद जो नीचे गाइस एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए मैं गाइस इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस ये जो है हमारे वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।